भाई किसी के जाने की अहमियत ना उसके बाद ही पता चलती है जब वो इंसान चला जाता है। राम राम जी राम राम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है गाड़ी से और मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। एक चीज़ बताता हूँ, आज दो बैड न्यूज़ हैं, ठीक है भाई, और दोनों बैड न्यूज़ भाई ऐसी हैं बेकार सी, मतलब एक तो ऐसी है जिसने कल से दिमाग ख़राब कर रखा है। तो अभी जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ फिर वहाँ रुक के आपको आराम से बताता हूँ। एक तो गाई गाड़ी से रिलेटेड ही है और एक इंसान से रिलेटेड है। भाई पहुँच जाऊँ। लो भाई पहुँच गए हैं, ये खड़ी है गाड़ी। तो खबर पहले वाली ये है भाई, मेरी गाड़ी में जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उससे एक दिन पहले भाई बारिश आई थी और पूरी गाड़ी में भाई पानी भर गया था। क्या हो रहा बालों को, पूरी गाड़ी में पानी भर गया था और जिससे नुकसान ये हुआ है, ये रखा है एम्पलीफायर जो हमारी सीट के नीचे रखा हुआ था, ठीक है जी, ये भी ख़राब हो गया और पूरी गाड़ी में अभी भी पानी है। अंदर दिखाता हूँ, ये देखो भाई ये पूरा मैट अभी भी गीला है, ये अंदर नीचे अभी भी पानी है। ये यहाँ पर देख लो, गत्ते लगा रखे हैं मैंने कि पानी सूख जाए, लेकिन सूखा नहीं भाई, और थोड़े टाइम तक नहीं हटाऊंगा इसको तो कीड़े पड़ जाएंगे। हाँ जी, नीचे ना फोम है। अच्छा, इसके नीचे फोम है, जब तक ये फोम बाहर नहीं आएगी ना, हाँ जी, जब तक ये पानी नहीं निकलेगा। और ये ग्रीसिंग इसलिए नहीं हो रही, ये पानी चला गया ना एंगल में तो ग्रीसिंग की दिक्कत होगी, ये जब तक खुलेगी नहीं प्रॉपर गाड़ी। तो फिर लास्ट में हम इसमें ग्रीसिंग भी कर देंगे, ग्रीसिंग भी करके देंगे, ठीक है ठीक है। प्लस ये वॉश होके सुखा के फिर फिटिंग होगी, अंदर से पूरी ड्राई क्लीन कम्प्लीट करके फिर दे देता ना इसमें। ये देखो, ये देख रहे हो, हाँ आ रहा है ऊपर पानी, जितना इस पर पैर लगेगा तो ये बाहर निकलेगी, इसमें इसके नीचे वाली फोम निकाल के फेंकनी पड़ेगी। और तो मेरे ख्याल से कीड़े भी पड़ जाते होंगे इसमें, तो ऐसे ज्यादा दिन छोड़ोगे, अभी 15 दिन और छोड़ दो फिर उसके बाद अपने आप कीड़े शुरू हो जाएंगे। चलो पानी में तो वो बैठे लगा है। ये देखो भाई, कंबल की भी दिखा दो, उसके अंदर से ही निकली। देखो भाई मैट भी कितने गंदे हो रहे हैं, पीछे रखे हुए थे मैट भी मैंने। और ये हरियाणा का, ये हरियाणा की पहचान भी रखी हुई है गाइस हमारी गाड़ी में, दो दो रखी हुई है। और तुम्हारे को दूसरी बैड न्यूज़ दूँ तो भाई, एक हमारा भाई था, हाँ भाई था, कल उसकी डेथ हो गई है। और मतलब एक दिन पहले यार उसने मेरी स्टोरी लाइक करी और मैं मतलब थोड़े थोड़े दिन में मिलता रहता था उससे, अच्छा बोल चाल थी मेरी, बैठते थे हम, बातें बातें करते थे, कभी कहीं कुछ खाने पीने भी साथ चले ही जाते थे। तो कल एकदम से पता चला कि यार उसकी डेथ हो गई। कल से यार मेरे माइंड में ना हमेशा हर एक छोटी चीज़ उसकी ना वो घूम रही है यार, मेरे को इतना फील हो रहा था। और भाई घर का इकलौता लड़का, उसके फादर भी नहीं थे, मदर और सिस्टर थी, वो भी अनमैरिड है, और वो और भाई उसकी एज भी छोटी है, 20 साल का लड़का था। तो बहुत मूड ख़राब है भाई तब से, कल से खास तौर से। मेरा तो किसी काम को करने का मन भी नहीं कर रहा था, मैं तो आज गाड़ी का भी काम कराने का मन नहीं कर रहा था, तो पापा ने थोड़ा सा फोर्स कर दिया कि भाई चला जा नहीं तो कीड़े पड़ जाएंगे गाड़ी में, तो इस वजह से आ गया। भाई किसी के जाने की अहमियत ना उसके बाद ही पता चलती है जब वो इंसान चला जाता है। और मेरे को ना भाई सबसे ज़्यादा चीज़ पता है क्या माइंड में आ रही है, मेरे बर्थडे पर मैंने स्टोरी भी लगा रखी है, मेरे बर्थडे पर भाई जो उसने सब इंजॉय कराया था ना, देखो अभी भी वो चीज़ मेरे आंखों के सामने बार 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 दिखाई देती है। मतलब यार कितना वो लगता है ना यार, कोई चला जाता है तो पीछे हम लोग सारे बैठ के बस सोचते रहते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, बट भाई लाइफ है, क्या करें। और मैं चाहता हूँ यार वो जहाँ भी जाए खुश रहे, ठीक है, और हो सके तो भाई नेक्स्ट उसको लाइफ मिले तो वो हमारा फिर से दोस्त बने। लो भाई एक सीट खुल गई है, मैंने एक सीट खोल दिया ऐसे करके, पीछे वाली बैठेंगे ना भैया, ये पीछे वाली बैठेंगे, बड़ा बुरा हाल है। ये देखो भाई पीछे वाली सीट तक पानी है, अभी तो ये कह रहे हैं कि स्टेपनी भी चेक करनी पड़ेगी, इसमें भी पानी ना करनी पड़ेगी भाई, स्टेपनी के पीछे भी हो सकता है। भाई सारा कपड़ा हटेगा आज, गंदी भी बहुत हो गई है। लो भाई हमारे एक और भाई आ गए हैं, हमारे एक और भाई आ गए हैं, धड़पड़ कर रहे हैं काम जिस ज़्यादा, तो सब खुल गया है देख रहे हो, इतना दुख होता ना अपनी बंदा गाड़ी खुलवाता तो, जैसी खुली है वैसी फिट भी हो जानी चाहिए। वो तो भाई कितना जंग भी लग गया है,
भाई टाइम से अच्छा वो खुलवा दिए, अब फिट कर देंगे भैया। जंग देख के दिमाग खराब हो गया, दिलों के जंग का क्या करें और इनके जंगों का क्या करें। वैसे यार जंग नहीं लगना चाहिए था भाई, नई गाड़ी है। चलो कोई नहीं, बैठते हैं भाई, का लोग काम कर रहे हैं। हमारे तो सीट मिल गई है, हमारे सीट मिल गई है, हम अपनी सीट पे बैठेंगे। और साथ में हमारे को दे दिया गया वॉच, वॉच बॉटल तो लाए नहीं हम अपने घर से, हमारे को वॉचर मिल गया। बैठेंगे और सामने देखेंगे गाड़ी की सर्विस, एक नंबर में आए। लो गाइस आ गए हैं हमारे भैया के पास। कैसे भैया? बढ़िया भाई साहब एकदम। भैया हमारे को कुछ ले जा रहे हैं खाने के लिए, पता नहीं कहाँ पे। और एक और भाई हमारे। लो गाइस कैसे हो गाइस? उसके बाद मैंने वीडियो बनाई नहीं, मैं आ गया हूँ अपने स्टोर पे, क्योंकि वहाँ से सीधा मेरे पास फ़ोन आ गया था कि भाई को, मतलब भाई की बॉडी को शमशान घाट लेके गए हैं। तो वहाँ गया तो फिर वहाँ नहीं सही रहता यार व्लॉग व्लॉग बनाना। तो अब आ गया हूँ घर और गाड़ी भाई मैंने छोड़ दी है। गाड़ी हमारे को कल उठा के लानी है, क्योंकि नीचे का जो मैट है वो पूरा गीला है और उसको कम से कम 24 घंटे चाहिए सूखने के लिए। तो कल जाएंगे, कोशिश करते हैं कल उठा के लाएंगे। ओके लोग आए जी, ये सारे तो जा रहे हैं, बच्चा पार्टी, बुआ, चाचा, पापा, वो गाड़ी भी जा रही है। हमारे रिलेशन में किसी की डेथ हो गई है, ये सारे वहाँ जा रहे हैं। एक गाड़ी की कमी थी ना प्लेंजा की, वो वहाँ है तो इसलिए वो आ नहीं पा रही है, तो इसलिए और अर्पण उधर जा रही है। लक्ष्य जा रहा है, भाई जा रहे हैं, मम्मी, चाची, ये सारे जा रहे हैं, मैं नहीं जा रहा हूँ। होटल पानी होटल एक्स्ट्रा थी गाड़ी में, सुबह निकाली है, अभी लोग जाएंगे। अब देखते हैं हम लोग, अगर गाड़ी हो जाएगी तो हम लोग उठा के ले आएंगे। भाई यहाँ चल रहा है लूडो का मैच, 50-50 रुपये की गेम लगी हुई है। और ले होना, मैंने भाई ऑर्डर किया था एक परफ्यूम, परफ्यूम वाले भाई भी आ गए। लो गाइस ऑर्डर भी आ गया। गाइस कैसे हो आयुष भाई? लो भाई वो भाई बंदा तो भाई फुल ड्रेस अप होके आया। लो भाई भैया आ गए। हाँ जी भैया, हाँ जी हाँ जी। लो भैया, लो गाइस आ गया हमारा कार परफ्यूम। सील देख रहे हो कैसे सील लग रही है इसमें। लो भाई ये है परफ्यूम, MB प्योर का है। गाड़ी ले जा रहे हैं, तेरे नाम का सलमान खान लग रहा हूँ। एक गाड़ी लेने आया था, सामने खड़ी है भाई जी, खड़ी तो गंदी हो रही है भाई। गाड़ी पूरी तैयार हो गई है, मेरे अभी पैर गीले थे उस वजह से हुआ। एक मिनट ये और मार दो। लो भाई पीछे से भी चेक कर लो, बढ़िया। अभी हम लोग आए थे हमारे फ्रेंड की बहन की शादी में, और यहाँ लग गया भाई मॉल ऑफ फरीदाबाद में, इनकी वजह से लगा है, इतने हॉट लग रहे हैं। इसी का हाथ है गाइस, ये देखो भाई अंदर से गाड़ियाँ निकाली जा रही है, देख रहे हो भाई। आ गए घर, पीछे खड़ी अर्बन क्रूजर और ये खड़ी हमारी ग्लेंजा। अब जाओ घर। ओके अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय।